Hey guys, this is Suraj. Welcome back to my channel. Also Suraj, I hope you guys are doing well. So guys, I'm back with new cue card. So guys, अगर आपने PDF परचेज करना है वो भी अवेलेबल हो चुका है, आप परचेज कर सकते हो. उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम आईडी का, आप उसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो. आज का जो हमारा न्यू क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब अ प्लेस यू विजिटेड ऑन वेकेशन. उस प्लेस के बारे में बताइए जहाँ आप वेकेशन में गए. गाइस, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ न्यू क्यू कार्ड्स एंड ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. मैंने विद बुलेट पॉइंट्स एंड एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर किया है और मेरा PDF भी अवेलेबल हो चुका है. सभी क्यू कार्ड्स आपको उसमें मिल जाएंगे और इसी वे में प्रिपेयर किए हुए हैं. आगे मूव करते हैं इसके बुलेट पॉइंट्स पर. वेयर इट इज़, यह कहाँ पर है. वेन यू वेंट देयर, कब आप वहाँ पर गए. हु यू, वट यू डिड देयर, आपने वहाँ पर क्या किया. एंड एक्सप्लेन वाई यू वेंट देयर, और एक्सप्लेन करें क्यों आप वहाँ पर गए. आगे हम इस क्यू कार्ड को एक्सप्लेन करेंगे. अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारे अपडेट्स आएंगे. स्टार्ट करते हैं. टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से कहूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग एंड आई लव टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस. ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है और मैं पसंद करता हूँ नई प्लेसेस को एक्सप्लोर करना. हाउ एवर, टूडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट टाइम, टाजमोस्ट टाइम की बात करने जा रहा हूँ. व्हेन आई वेंट विद माय फैमिली ऑन 3 डेज वेकेशन, जब मैं अपनी फैमिली के साथ 3 दिन की वेकेशन पर गया. मी एंड अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली प्लान टू विजिट शिमला, मैं और जो मेरे दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं हमने प्लान किया शिमला जाने का. विच इज़ लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश स्टेट, जो कि हिमाचल प्रदेश स्टेट में लोकेटेड स्थित है. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर फार फ्रॉम माई होम टाउन, यह लगभग 400 किलोमीटर दूर है मेरे होम टाउन से, यानी कि शहर से. वी वेंट देयर बाई कार, हम वहाँ पर बाई कार गए, मतलब कि कार के द्वारा हम वहाँ पर गए. इट वॉज अवर फर्स्ट ट्रिप आफ्टर कोविड सिचुएशन, यह हमारा पहला ट्रिप था कोविड सिचुएशन के बाद. वी वेंट देयर टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ शिमला एंड ऑल्सो स्नो, हम वहाँ पर जो है शिमला की ब्यूटी को इन्जॉय करने गए और स्नो को भी. विच इज़ ऑफनली सीन इन हिमाचल ड्यूरिंग समर मंथ, जो कि अक्सर वहाँ पर देखी जाती है हिमाचल में समर, गर्मियों के महीनों में. मी एंड माई फैमिली मेम्बर्स हैड ए ग्रेट टाइम, मेरा और जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनका बहुत अच्छा टाइम रहा. आफ्टर रीचिंग देयर, वहाँ पहुँचने के बाद. वी टुक रूम इन होटल, हमने होटल में रूम लिया. नेक्स्ट वी प्लान टू हैव लंच फर्स्ट, उसके बाद हमने पहले लंच करने का प्लान किया. बिकॉज वी वर टू हंग्री, हम बहुत भूखे थे एंड टायर्ड, थके हुए थे. आफ्टर 7 आवर्स लॉन्ग ट्रैवलिंग, 7 घंटे की लंबी ट्रैवलिंग के बाद. आफ्टर लंच, लंच के बाद वी ऑल टुक नैप टू रिलैक्स अवर बॉडी, हमने एक छोटी सी नींद ली हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए. इन इवनिंग, शाम को. वी वेंट टू मैनी टूरिस्ट अट्रैक्शन, हम बहुत सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन पर गए. मोर ओवर, इसके अलावा आई इन्जॉयड पैराग्लाइडिंग एज वेल एज बोटिंग विद ऑल फैमिली मेम्बर्स, मैंने पैराग्लाइडिंग इन्जॉय की और इसके साथ ही बोटिंग भी इन्जॉय की फैमिली मेम्बर्स के साथ. नेक्स्ट डे, अगले दिन, वी डिसाइडेड टू विजिट फेमस हिंदू टेम्पल विच वॉज ऑन टॉप हिल इन शिमला. नेक्स्ट हमने फैसला किया फेमस हिंदू टेम्पल में जाने का, जो कि टॉप हिल में, टॉप हिल पर स्थित है. वी हायर्ड अ टैक्सी टू गो देयर, हमने एक टैक्सी हायर की वहाँ पर जाने के लिए. इट वॉज रियली अ ब्यूटीफुल प्लेस विद सीरीन इन्वायरमेंट, यह सचमुच बहुत सुंदर जगह थी शांत पर्यावरण के साथ. वी पेड ऑबिसेंस देयर, हमने वहाँ पर माथा टेका एंड रिलैक्स सम टाइम, और कुछ टाइम के लिए रिलैक्स किया. आई फाउंड माई सेल्फ टू क्लोज टू द नेचर व्हेन आई वाज ऑन टॉप हिल, मैंने अपने आप को बहुत क्लोज नेचर के पाया जब मैं टॉप हिल पर था. आई ऑल्सो टेस्टेड सम लोकल डिशेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, मैंने जो लोकल डिशेज हैं हिमाचल प्रदेश की वो भी टेस्ट की. आफ्टर दैट वी ऑल्सो विजिटेड लक्कड़ बाजार विच इज़ द मोस्ट फेमस प्लेस इन शिमला, उसके बाद हम लक्कड़ बाजार भी गए जो कि बहुत फेमस है शिमला में. दैट मार्केट इज़ फेमस फॉर एंटीक वुडन आइटम्स, यह जो मार्केट है एंटीक वुडन आइटम्स के लिए प्रसिद्ध है. वी परचेज्ड कैंडल स्टैंड फॉर डाइनिंग टेबल, हमने कैंडल स्टैंड परचेज किया डाइनिंग टेबल के लिए. एंड मैनी अदर होम डेकोरेशन आइटम्स, और भी बहुत सारी होम डेकोरेशन आइटम्स इन एडिशन, इसके अलावा. इट वॉज रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस, यह सचमुच एक ग्रेट एक्सपीरियंस था. एंड द बेस्ट वेकेशन एवर, और जो बेस्ट वेकेशन थी हमारी. आई वॉन्टेड टू स्पेंड फ्यू मोर डेज, मैं कुछ और दिन स्पेंड करना चाहता था. बट ऑन द नेक्स्ट डे, पर अगले दिन, माई फादर हैड बिजनेस मीटिंग, बट मेरे फादर की बिजनेस मीटिंग थी. ऑल इन ऑल, लास्ट में यही कहूँगा, इट वॉज रियली वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू स्पेंड वेकेशंस, या सचमुच एक बेस्ट प्लेस है वेकेशन स्पेंड करने के लिए. एंड इफ़ आई गेट अ चांस टू विजिट, अगर मुझे दोबारा चांस मिलता है वहाँ पर जाने का, आई विल विजिट देयर डेफिनेटली, मैं ज़रूर वहाँ पर जाऊँगा. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेज यू गाइज कैन कॉन्टैक्ट और मैंशन नंबर एंड इंस्टाग्राम आईडी. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. मोर न्यू क्यू कार्ड्स आर कमिंग सून एंड फॉर ओल्ड क्यू कार्ड्स फाइंड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन.